ओडिशा हेउची सारा देशर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य। एक कथा कहि आमे समस्ते गर्व करिथाउ। प्रतिवर्ष उत्कल दिवस पालन अवसर में एभली अनेक भाषण शुणाकू मिले, किंतु वास्तवता हेउची एक भयंकर सत्य। बोधहुए ओडिशा भाषाभाषी लोक माने देशर एकमात्र जाति हिसाब से खंड विखंडित होइ रही आसुछंती। ओडिशा सरकार को नाक तले लोके ओडिया भाषा रे कथाबार्ता और लेखापढ़ा करिथुरे सुद्धा से माने आम राज्यर नुहंती। ओडिशा भूखंड सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंग सीमा लागिथिबा बेले एही समस्त राज्य सहित ओडिशार सीमा विवाद लागि रहिछि। गत वर्ष विधानसभा राज्य सरकार देखा तथ्य अनुसार राज्यर उपांतवर्ती 10 जिलार 96 गांव को नहीं पड़ोसी राज्य मानक सह सीमा विवाद लागि रहिछि। केतेबेले कोटिया ग्रामपुंज को आंध्र अख्तियार कलानी तो आउ केतेबेले बालेश्वर सीमार पश्चिमबंग सरकार ओडिशा को नाली आखि देखाउछन्ति। अमर ओडिया रे गुटी ढग अछि, कर्म अबेल जानी चाळरो मूसा पड़ी मारंती कहुनी। आज ओडिशार दुर्बल नेतृत्व अवक्षय लोक चरित्र को उपजीव्य करी सीमांतवर्ती भगारी माने आमर जमी को दखल करिबा पई लोलुप दृष्टि पक्ष दखल कर सारे। ब्रिटिश माने उत्कल जननीतिर अंग छेदन कले, गोटे गोड़ काटिकी फिंगी देले पश्चिमबंग को, गोटे गोड़ काटिकी फिंगी देले बिहार को, गोटे हाथ काटिकी फिंगी देले मध्यखंड मध्यप्रदेश को, आउ गोटे हाथ काटिकी फिंगी देले मध्यराज प्रदेश को। एक खंडित उत्कल को आमको स्वतंत्र ओडिशा दिगला प्रतिवाद हलानी जबले हवा कथा सीमा आंदोलन ताहा में देखीचे पुनर्गठन राज्य बिहार पुनर्गठन बेले आंदोलन हला, किंतु नेतृत्व दुर्बल नेतृत्व जो आज सीमा विवाद देखा दीची। जदि आम दावी करते मेदिनीपुर पर्यटन आम ओडिया अंचल आम महांती मैंने माइती हो गले, जेना मैंने जाना हो गले, साहू माने साहा हो गले, आचार्य मैंने भट्टाचार्य हो गले, तार आज भोगराई जलेश्वर को बाड़ी आसना पश्चिमबंग। आम जो दावी करते विजयनगर बाम अंचल आम फेरे दि तार आज कोटिया ग्रामपुंज विवाद देखा देना कि सुनाबेड़ा भारी तल पर्यंत आज आंध्र दादागिरी आकर्ण था, कारण तार लोलुप दृष्टि पड़ी से सीमांतवर्ती सुना खणी बक्साइट खणी अमूल्य खणिज संपद उपर। आज जदि आम दावी करते बस्तर आम फेरे दि छत्तीसगढ़ आज महाराज दादागिरी कर था, आज जदि आम दावी करते सिंहभूम खरसुआ ये अंचल आम फेरे दि ताहले आज झारखंड राज्य भी गठन हो ना था। तेनालीशार जो दुर्बल नेतृत्व और जनमतर अभाव ताही कारण है आज आंध्र दादागिरी। आज आंध्र आम खाऊटी बजार दखल कर चुनी चोकड़ ठू आरंभ कर अंडा कदमी पर्यटन आम आंध्र उपर निर्भर कै ममता दीदी ममता कम है आम आलु बजार निया लगे। आज ओडिशा किसी ना आंध्र चाषी आसी कणास अंचल चाष कला आम जमी पड़िया पड़ी, कारण आम टंकिया चाउल अच्छी तो सब अच्छी अंतुरी सारे प्रसूति भत्ता मला बेले हरिश्चंद्र भत्ता ममता जोता छता लैपटप दंड मुक्त अंडाजुक्त शिक्षा प्रचुर मद्यपान कर आनंद अच्छी। किसी दिन पर ओडिशार राजधानी बोधे विजयनगर हो गोटे अखंड ओडिशा राजधानी बोधे कलिकता हो, तेणु साधु सावधान बेल हूं जदि आम सावधान न होगा तपर्य अनेर पार्च। एने पखापाखि 22 केस एबे भी सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन रहिछि। उपयुक्त युक्ति उपस्थापन न करी 12 रे राज्य सरकार हारी जाइछंती। बिजेडी नेता महेश्वर महांती राजस्व मंत्री थिबा समय रे एही तथ्य प्रदान करथिले। स्वर्गत विनायक आचार्यक मुख्यमंत्रीत्व समय रे सरकारी भाबरे एक निर्देशनामा जारी करा जाइथिला। एथिरे राजस्व आईन संबंधरे ज्ञान थिबा ओडिया अफिसरंकु सीमांतवर्ती जिलागुडी करे जिलापाल भाबरे नियुक्ति देबा पई कुहा जाइथिला, किंतु एही नियमकु नवीन प्रशासन भूली जाइछि। एबे सीमावर्ती जिलागुडी करे अण ओडिया अफिसर जिलापाल हेउछन्ति, ना सेमानक आंतरिकता रहुछि ना राज्यर सीमारेखर रक्षा करा जाय पारुछि। गजपति गंजाम और रायगढ़ जिलार 21 गांव को नहीं आंध्र प्रदेश सहित ओडिशार सीमा विवाद रही। बालेश्वर जिलार 6 एवं मयूरभंज जिलार 8 गांव को नहीं पश्चिमबंग सहित विवाद लागि रही। झारखंड सहित मयूरभंज,
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 13ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର 5ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଣାଉଟରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ, ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ, ଆମର ଭାଷାଭାଷୀ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ଦଖଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅପାରଗ ଶାସନ କଳ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେଠାରୁ ଯଦି ସରକାର ସଚେତନ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ସରକାରକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସଢ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, ମାତ୍ର ଯେତକ ଅଛି ତାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଓ ଚିଠିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ କେହି ଚାହୁଁ ନଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ କଟିବାର ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶